मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना 2023 झारखंड सरकार दे रही है किसान को प्रति एकड़ 5000 रुपए का लाभ। जान किसान कैसे चेक करे इस योजना की लिस्ट में अपना नाम। हमारे वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे और इस तीर के निशान से हमारे वीडियो को शेयर करे व्हाट्सएप और फेसबुक सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना 2023 झारखंड सरकार दे रही है किसान को प्रति एकड़ 5000 रुपए का लाभ। जान किसान कैसे चेक करे इस योजना की लिस्ट में अपना नाम। हेलो दोस्तों, का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीकट न्यूज में। रांची छोटे सीमांत एवं कम जोत वाले किसानों को आर्थिक मदद के लिए सरकार द्वारा कई तरह की लाभकारी योजना चलाई जा रही है। इन योजना के मदद से सरकार की तरफ से किसानों खाते में आर्थिक सहायता तौर पर पैसे भेजे जाते हैं, जिससे फसल के सीजन के लिए खाद बीज सहित अन्य कृषि इनपुट बिना किसी परेशानी के खरीद सके। ऐसी एक योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा झारखंड मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना लागू की गई है। इस योजना के मदद से लाभ प्राप्त करने के लिए जिन किसानों द्वारा योजना में आवेदन किया गया है वो अपना नाम सरकार द्वारा जारी की गई लाभार्थी सूची में चेक कर सकते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना में आवेदन करने वाले राज्य के सभी नागरिक इस योजना की वेबसाइट पर मौजूदा लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। लाभार्थी किसानों को दिए जाएंगे 5000 रुपए प्रति एकड़ की सब्सिडी। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना झारखंड के सीएम द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार की तरफ से राज्य के ऐसे सीमांत और छोटे किसानों जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम कृषि योग्य भूमि है उन किसानों की इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। झारखंड राज्य द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की लाभार्थी सूची जारी कर दी गई है। जिन किसानों का नाम इस लिस्ट में शामिल होगा उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत किसानों को बैंक खाते में प्रति वर्ष प्रति एकड़ भूमि के लिए 5000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाती है। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत राज्य में खरीफ फसलों के लिए 22.76 लाख छोटे और सीमांत किसानों को 5000 रुपए प्रति एकड़ की सहायता राशि प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता। योजना में लाभ लेने के लिए इच्छुक आवेदन करने वाले किसान झारखंड राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक किसान के पास कम से कम 5 एकड़ या उससे कम भूमि होनी चाहिए। किसान के पास आधार लिंक बैंक खाता होना चाहिए। आवेदक किसान का आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की लिस्ट में किसान कैसे चेक कर अपना नाम। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए राज्य के जिन किसानों द्वारा इस योजना के तहत आवेदन किया है वो इस योजना की लाभार्थी सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले लाभार्थी लिस्ट में नाम चेक करने के लिए आवेदक को सबसे पहले मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर इस योजना का होम पेज खुलकर सामने आएगा। इस होम पेज पर आपको मेन्यू में सर्च के विकल्प पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी फार्मर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, इसमें आपको आधार नंबर खाता संख्या में से किसी एक विकल्प का चयन करना होगा। फिर आपको जिले का नाम आधार या खाता नंबर जो भी आपने चुना है उसे दर्ज करना होगा। इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर योजना की लाभार्थी सूची खुल जाएगी, इसमें आप अपना नाम चेक कर सकेंगे। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना झारखंड 2023 को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट से कमेंट करें, ताकि आने वाली वीडियो में हम इस योजना संबंधित आपको और विस्तार से जानकारी दे सके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं।